450 करोड़ रुपए 2011 में छात्रों का इनके पास जमा था, यानी वो खर्च नहीं कर रहे, छात्रों को फीस के रूप में दे रहे। जो 450 करोड़ रुपए 2011 में थे वो 2022 में कितना हो चुका होगा? इस देश में जो ऐसी जो बड़ी संस्था है वो दो है, एक BCCI है जिसके पास अकूत संपत्ति है और एक SOL है जिसके पास अकूत संपत्ति है। ये 22 चल रहा है, आप आकलन कर लेना, BCOM के आप सभी साथियों आकलन कर लेना कि पैसा कितना बढ़ गया होगा। और लगातार जिस तरह से वो पैसा 450 करोड़ रुपए 2011 में छात्रों का इनके पास जमा था, यानी वो खर्च नहीं कर रहे, छात्रों से फीस के रूप में ले रहे थे। और वही तरीका छात्रों से फीस के रूप में लेना लगातार जारी रहा है, लेकिन उन पर खर्चा इन्होंने नहीं किया। तो वो जो 450 करोड़ रुपए 2011 में थे वो 2022 में कितना हो चुका होगा? ठीक है, इस देश में जो ऐसी जो बड़ी संस्था है वो दो है, मैं ऐसा मानता हूँ। एक BCCI है जिसके पास अकूत संपत्ति है और एक SOL है जिसके पास अकूत संपत्ति है। ये जहां तहां से पैसे कमाता है।